छोटे मोदी निमो, इन्होंने सिर्फ बैंक को नहीं लूटा। आपके सामने हमने कुछ तथ्य रखे, 21,000 करोड़ से ज्यादा का तो लूट का हिसाब भी निकला। पर यहां से बात रुकती नहीं है, इन्हीं हमारे मेहुल भाई और छोटे मोदी की जनधन लूट योजना, वो जनधन लूट योजना जो उन्होंने चलाई, मैंने सिर्फ एक शहर का आकलन निकाला, सिर्फ कुछ घंटों में 600 लोगों ने मुझे बताया कि हमें लूटा गया है, और एविडेंस के साथ। कम से कम देश में 5,000 करोड़ से ज्यादा आम आदमी का, खास करके मिडिल क्लास का पैसा ये जनधन लूट योजना के तहत लूटा गया। और ये पैसा जब आम हिंदुस्तानी का लूटा जा रहा था तो चौकीदारों को पता था, पता नहीं था, ऐसा नहीं था। मैं आपको तथ्यों के साथ एविडेंस देके ये बताऊंगा कि चौकीदारों को बताया गया था कि भैया हमें लूट रहा है, आप कुछ कीजिए। पर जैसे कि चौकीदार तो भागीदार था, इनको रोका नहीं, पकड़ा नहीं, एफआईआर के जरिए अरेस्ट ना किया गया, यहां तक कि वाइब्रेंट गुजरात में यह बताया गया कि पोटेंशियल कोलैबोरेशन अगर कहीं करना है तो हमारे मेहुल भाई है, आप आइए, इनके ये पोटेंशियल कोलैबोरेशन होगा इनके साथ। और पूरे देश में मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट वाइब्रेंट गुजरात, आपकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और आप 10,000 करोड़ का एमओयू कर सकते हो, जो अब यूपी में लागू होने जा रहा है। इस वाइब्रेंट गुजरात में पूरे देश में से सिर्फ एक कंपनी की सिफारिश की गई और वो थी गीतांजलि ज्वेल्स। मैं आपको सॉफ्ट कॉपीज भी दूंगा, ये एफिडेविट्स है, और ये एफिडेविट सिर्फ एक नहीं, ढेर सारे हैं। मैंने मेरे हाथ जो लगे वो 4 एफिडेविट्स आप लोगों को बांटे हैं, अलग अलग लोग हैं, और उन्होंने बाकायदा बयां किया है कि इस गीतांजलि ज्वेल्स ने एक स्कीम लगाई और वो स्कीम क्या थी, बड़ी अट्रैक्टिव थी स्कीम, कि आप हर महीने एक पैसे किस्त के तौर पे रखो, 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने का, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स एंड 36 मंथ्स, यू डिपॉजिट एवरी मंथ अ पर्टिकुलर अमाउंट, और फिर जो 12वां किस्ती होगी, 12th इंस्टॉलमेंट, वो आपको नहीं भरना है, वो कंपनी आपको देगी, कंपनी भरेगी और आपका पैसा वहां जमा होगा, और फिर आपके पैसे से आप गीतांजलि से जो भी गहने परचेज करोगे उसके आप उसमें आपको स्पेशल बोनस भी मिलेगा। आप चेक से पैसे दोगे, आपको रिसीप्ट की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन जाइए, और ये कार्ड दिया जाता था, आप देख सकते हैं इसको, ये हमारे मेहुल भाई की कंपनी के कार्ड, और इसको आप स्वाइप करोगे तो आपके अकाउंट में कितने पैसे आपने डिपॉजिट किए हैं वो आ जाएगा और आप गहने परचेज कर सकते हो। ढेर सारे लोग इसमें गए क्योंकि एक तो 12th इंस्टॉलमेंट है जो 12वां,
वो कंपनी भरती थी तो आपको कहीं दुनिया में इंटरेस्ट ना मिले इतना इंटरेस्ट, और फिर आप अगर डायमंड सेट परचेज कर रहे हो तो उसमें और ज्यादा बोनस, गोल्ड ज्वेलरी ले रहे हो तो उसमें बोनस। एक छोटे शहर भावनगर में मैंने कहा आपको, कुछ घंटे में 600 लोगों ने कहा कि हमें लूटा है, और उनके पास बाकायदा चेक का पेमेंट, ऐसा नहीं कि कोई भी आ जाए। और आज क्योंकि मेहुल भाई भाग गए हैं, कोई कहे कि मैंने पैसे भरे थे, ऐसा नहीं। मैं जो आपको एफिडेविट्स दे रहा हूं ये 7 सितंबर 2015 का है, 7 सितंबर 2015। अब बीजेपी ये तो नहीं कह पाएगी कि ये कांग्रेस के वक्त का था, 2015 में तो चौकीदार आ गए थे पावर में। तो 7 सितंबर 2015 को एक नहीं ढेर सारे एफिडेविट गुजरात सरकार के नॉलेज में आए, जहां ये लोग क्या कहते हैं कि साहब आप एफिडेविट की सॉफ्ट कॉपी देख लेना, उसमें कहा है कि साहब किसी ने कहा मेरे 3 लाख है, किसी ने कहा मेरा 10 लाख है, किसी ने कहा 2 लाख है। छोटे छोटे लोग हर महीने कोई 2,000 भरता है, कोई 10,000 भरता है, कोई 5,000 भरता है। कि साहब मैंने पैसे तो भरे, और पैसे भर देने के बाद जब मैं अब गीतांजलि स्टोर में जाता हूं तो वो कहते हैं कि यहां नहीं बंबई बात करो। मैं बंबई नंबर लेके बात करता हूं तो मेरे साथ इंग्लिश में बात होती है, और मेरा ये कार्ड प्लास्टिक का टुकड़ा हो गया है, मेरे साथ चीटिंग हुई है, और सिर्फ मेरे साथ नहीं ढेर सारे लोगों के साथ ये चीटिंग हुई है ऑन ओथ 7 सितंबर 2015 को ये कहा जाता है गुजरात सरकार को। और उसी वक्त पे ये गुजरात और महाराष्ट्र में ज्यादातर लोगों को इसमें लूटा गया था। तो हमारे मेहुल भाई अलग अलग प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं और भाजपा के नेताओं को बुलाते हैं, उनसे तस्वीर खींची जाती है और बड़े इश्तिहार दिए जाते हैं, क्योंकि प्रिंट मीडिया भी कोई कितने बड़े कॉलम में कितना इसका कोई बड़ा ऐसा फंक्शन तो नहीं था कि वो फोटो छपे, तो ये सारे अखबारों में इस तरह की फोटो छपी गई जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी, उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री की बेटी और बीजेपी की इंटेलिजेंस स्पोक्स पर्सन साइना एनसी, इनकी तस्वीरें छपी गई और सारे अखबारों में आई, ताकि हमारे मेहुल भाई के ऊपर कोई पुलिस वाला एक्शन लेने की चिंता ना करे। बात यहां नहीं रुकी, कुछ लोगों ने क्रिमिनल कंप्लेन लॉन्च करने के लिए बाकायदा पुलिस सब इंस्पेक्टर थाने का, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, सरकार, होम सेक्रेटरी, डीजीपी, पुलिस कमिश्नर, इन सबको लिख के भेजा कि साहब हमारे साथ चीटिंग हुई है, हमने गीतांजलि जेम्स में पैसे भरे हैं और अब हमें गहने नहीं मिल रहे, हमें कोई जवाब नहीं देता है, प्लीज आप एफआईआर दर्ज कीजिए और इसको अरेस्ट कीजिए। कानून ये कहता है कि कोई भी क्राइम होता है और उसकी कंप्लेन आती है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू रजिस्टर ए क्रिमिनल केस एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और इन्वेस्टिगेशन शुरू करो। अगर फरियाद में वजूद नहीं है, फाइनल भरेंगे, समरी भरेंगे, और अगर वजूद है, अक्यूज्ड को अरेस्ट करना है। दिस इज सेटल लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की प्रावधान है और ये करना फर्ज बनता है। गुजरात में ये नहीं हुआ, पर क्या हुआ, जब महीनों तक ये कंप्लेंट्स पड़ी रही, मैंने ये गुजराती में है, मैंने आपको हिंदी ट्रांसलेशन दिया है और सॉफ्ट कॉपी भी आपको दोनों, ये ओरिजिनल जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस सब इंस्पेक्टर का दस्तखत है और यहां पे डीएसपी को भेजते हैं,
instead of filing FIR and instead of arresting Mehul Choksi for months together, all the applications of all the sufferers were pending before the Gujarat police. और जब मेहुल चौकसी 26 जनवरी को भाग जाता है, फिर 28 जनवरी 2018 भावनगर का एक पुलिस इंस्पेक्टर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को एक खत लिखता है कि साहब, हमारे पास बहुत सारी जगह से कंप्लेंट्स आई है कि ये गीतांजलि ज्वेल्स ने ऐसी स्कीम लॉन्च करके बहुत लोगों को लूटा है, पर क्योंकि एक क्राइम ब्रांच में भी कुछ कंप्लेन ऐसी आई है तो मैं यहां एफआईआर नहीं रजिस्टर करता हूं. आई एम फॉरवर्डिंग ऑल दिस कंप्लेन्स टू यू एंड यू मे काइंडली फॉरवर्ड दिस एप्लीकेशन टू सीआईडी क्राइम गांधीनगर टू टेक नेसेसरी एक्शन. 28 जनवरी 2018, तब तक कुछ नहीं होता है. आपको ताजुब होगा जान के कि सिर्फ इतनी ही मिली भगत नहीं थी. वाइब्रेंट गुजरात में फर्स्ट पेज रचित, ये वाइब्रेंट गुजरात है और वाइब्रेंट गुजरात में मैं समझ सकता हूं कि आपको जब पता नहीं है कोई कंपनी कैसी है, आप उसको बुलाओ, आप उसके साथ प्यार करो, आप उसको भाई बनाओ, मुझे कोई एतराज नहीं. पर जब आपको पता है कि ये चीटर है, इसने करोड़ों बैंक के और आम हिंदुस्तानी के उठा लिए हैं, आप खुद को चौकीदार कहते हो और फिर आप उसे गले मिलते हो वाइब्रेंट गुजरात में. ये वाइब्रेंट गुजरात में आप देखिए दूसरा हिस्सा, इसमें पोटेंशियल कोलैबोरेशंस पोटेंशियल दिखता है. जिसको करोड़ों जिसने उठा लिया वो सबसे टॉप पोटेंशियल है और देश में कोई पोटेंशियल नहीं है. वाइब्रेंट गुजरात में सिर्फ एक बंदे को पोटेंशियल बताया जाता है और एक दूसरा नाम है. पहला नाम है गीतांजलि ग्रुप और दूसरा है इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट. अब ये जो इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट है वो यूनियन गवर्नमेंट का पीएसयू है, यूनियन गवर्नमेंट का, भारत सरकार की एक इंस्टीट्यूट के साथ आप एक चीटर को जोड़ते हो और आप कहते हो कि पोटेंशियल कोलैबोरेशंस. क्या इस देश में और कोई ज्वेलरी वाला नहीं था जो पोटेंशियल था? सिर्फ मेहुल भाई एक ही पोटेंशियल थे और ये आप कब कहते हो? 10th to 13th January 2017 सारी कंप्लेंट्स आपके पास आ गई, सारे एफिडेविट्स आपके पास है. इतने सारे लोग चिल्ला रहे हैं कि साहब हमें, हमारे साथ चीटिंग हुई है और उसके बाद आप उसे पोटेंशियल फॉर कोलैबोरेशंस करके वाइब्रेंट गुजरात में बुलाते हो, गले मिलते हो. ये दिखाता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद नहीं होते तो ये दोनों कतई देश के पैसे लूटकर विदेशों में मौज नहीं करते होते, आज वो इस देश की जेल में होते. हमारे वक्त भी कुछ हुआ होगा. कांग्रेस ने कभी भी एक्यूज्ड को शेल्टर नहीं दिया, चाहे कितना भी बड़ा हो, उसको जेल के सलाखों के पीछे भेजा और कोर्ट के हवाले किया. और यहां पे मालिया से लेके छोटे मोदी, अपने मेहुल भाई से लेके कई सारे, पैसे ले लो और भाग जाओ, मैं खाता नहीं, खाने देता नहीं देश में, बाहर मिलेंगे हम, खाऊंगा भी खिलाऊंगा भी, पर विदेशों की धरती पे मजे करो. ये बात हो गई है. हम डिमांड करते हैं कि आम हिंदुस्तानी के जो भी पैसे
इस तरह से उठाए गए हैं, ये सारे चेक से, ज्यादातर पैसे चेक से गए हैं। कहीं कहीं ऐसा हुआ है कि कार्ड स्वाइप करो, कैश दो और आपके मोबाइल पे एक एसएमएस आएगा कि गीतांजलि ज्वेल्स हैव रिसीव्ड योर अमाउंट सो एंड सो, और फिर ये तो प्लास्टिक का टुकड़ा हो गया है। आज कोई भी कह सकता है अपनी बीबी को दिखा के, बहुत सारे कोई वैल्यू नहीं दी कि मैं 25 साल के लिए इसमें डिपॉजिट कर रहा था, गया। पर ये जितने भी लोगों के साथ ये चीटिंग हुई है, भारत सरकार इसकी लिस्ट मंगवाए, लोगों को इनवाइट करें कि अपना डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स जो भी है दे दें। और क्योंकि अगर भाजपा के नेताओं के आशीर्वाद न होते, अगर भाजपा की सरकार कानून के तहत सही मायने में चौकीदार की तरह काम करती, तो आज ये दोनों जेल में होते, वो नहीं है और लोगों के पैसे गए हैं। तो इनके खिलाफ एक्शन होने चाहिए। वाइब्रेंट गुजरात में सिर्फ इसको अकेले को ही पोटेंशियल फॉर कोलैबोरेशन क्यों बताया, इसका जवाब दें। एफिडेविट्स मिले थे, क्रिमिनल कंप्लेंट्स की ढेर सारी एप्लीकेशंस मिली थी, क्यों एफआईआर नहीं हुई, क्यों ये दोनों को अरेस्ट नहीं किया, जवाब दे भारत के प्रधानमंत्री जी। क्या वाइब्रेंट गुजरात या अभी वाइब्रेंट यूपी हो रहा है, वो क्या फ्रॉड करने का प्लेटफॉर्म बनाया है?